चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा अपने बड़े बेटे लव सिन्हा के साथ संत सेवरेंस हाई स्कूल वोटिंग करने पहुंचे। लव सिन्हा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। बिहारी बाबू ने किया मत अधिकार का प्रयोग, साथ में बांकीपुर विधानसभा के प्रत्याशी लव सिन्हा ने भी की वोटिंग। शत्रुघ्न सिन्हा ने जहां महागठबंधन की जीत के दावे किए, वहीं तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की बात भी कही, जबकि ईवीएम को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ईवीएम में अगर कुछ खराबी नहीं हुई तो जीत तय है। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। पिछली बार के चुनाव के नतीजे जो आए थे और मामले कुछ सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्रिपेंसीज के मामले में पेंडिंग में, मोर देन 300 सीट्स के पेंडिंग है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को और रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को नोटिस भी भेजा गया सुप्रीम कोर्ट में। फैसला बहरहाल जब भी हो, पिछली बार पूरे बिहार में 40 में से 39 सीटें चली गई थी। कई लोग का मानना है कि ईवीएम की भी मेहरबानी रही होगी। वैसा ही आपने देखा होगा कि राजस्थान में सिर्फ एक भी सीट नहीं आई, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट आई। वैसे बहुत जगह लोगों का मानना है, कहना है कि ईवीएम पे का बहुत खेल हुआ। मैंने भी कहा था खेल तमाशा हुआ था। बहरहाल इस बार जो है नजर रखनी चाहिए उसको और आदमी को चौकन्ना रहना चाहिए। सर जी, मोदी जी जंगल राज का भय दिखा रहे हैं अपने प्रचार। मोदी जी आपके अच्छे मित्र हैं, बिहार में नीतीश जी भी मित्र हैं, मोदी जी भी आपके अच्छे मित्र हैं। अगर दोनों में से कोई जाता है तो आपको दुख तो होगा ना। अरे कमाल है, व्यक्तिगत दृष्टि अलग होते हैं, देश और प्रदेश का मामला और है। यहाँ आज चुनाव है, लोकतंत्र है, लोग बिहार में बदलाव की ओर देख रहे हैं, परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। जो क्रांतिमय वातावरण पैदा हुआ है और विशेषकर युवा दबंग जानदार शानदार दमदार नेतृत्व हमारे अपने तेजस्वी यादव के प्रति और खासकर हमारे बच्चे जो यूथ ब्रिगेड के बहुत ज़बरदस्त अहम अंग हैं, हिस्सा हैं लव सिन्हा, उनके प्रति, उनके जैसे और बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग आए हैं उनके प्रति कुल मिला के काफी उत्साह में देखा जा रहा है। बहुत जान है लोग कहते हैं।